हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मुकरम खान है। कैसे हैं आप लोग? आज हमने कुछ काम करवाया था शॉप में अपने, तो दिखाता हूँ क्या क्या काम करवाया, उसके बाद में बात बताता हूँ। तो देखिए, फिलहाल हमने क्या क्या काम कराया है। हमने कराया है, आज हमारे यहाँ नेट लगा है, ग्रीन नेट। ये ग्रीन नेट जो है हमारे पास आता है 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर की लंबाई में, यानी कि और इसकी जो लंबाई है, सॉरी ये तो मैंने चौड़ाई बताई, लंबाई जो है इसकी 50 मीटर होती है, यानी कि 165 फिट। चलिए बाहर से दिखाता हूँ। ये ग्रीन नेट बहुत ही अच्छा शेड कर रहा है। ये है, ये टीन शेड पड़ा, और एक हमने कस्टमर के लिए पंखा लगाया यहाँ, जो कि मैंने खुद ही लगाया था। और ये ग्रीन नेट है, देखिए स्काई के बाद में देखिए ग्रीन नेट। ग्रीन नेट लगाने की वजह यह है कि एक तो देखिए, जहाँ हमारे शॉप पर कस्टमर आते हैं तो उनकी जो बाइक वगैरह गाड़ी खड़ी होती है ना, तो उसके लिए ठंड रहती है। तो देखिए यहाँ पंखा लग गया। अब कस्टमर के लिए हमने यहाँ बेंच बनवाई है एक लोहे की, और यह कुर्सी वगैरह भी डाल दी, तो अच्छे से कस्टमर अब अंदर भी नहीं आ पाते। हमने यह बंद कर दिया था, कल की वीडियो में दिखाया था। देखिए कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ थोड़ा सा नुकसान भी होता है। नुकसान खैर कुछ खास नुकसान भी नहीं है। तो यहाँ पर नेट टांगने से ना आगे थोड़ा सा जो रोशनी थी उसमें कमी हो गई है, इतना उजाला नहीं है फिलहाल पहले के जैसा। तो दोस्तों देखिए, मैंने एक बात बहुत ही अच्छे से सीख ली है, और शायद आपको भी समझ में आ जाए कि जितनी लागत लगाओ इतना मज़ा आता है। तो आज हमने टंकी फिटिंग का जो सामान कल मंगाया था उसे लगाया था, अभी लिस्ट भी नहीं बनी थी। ये समझ लीजिए जो PDF आए हैं और पक्के बिल आए हैं, उसमें से ही परसेंटेज निकाल निकाल के हमने सामान बेचा, काफ़ी सारा सामान बेचा, और सिस्टम सिंक और लेटरिन की सीट वगैरह इस तरह का, और टंकी फिटिंग के बारीक आइटम वगैरह काफ़ी बड़ी मात्रा में हमने आज सामान बेचा है। तो काफ़ी वैसे अच्छा भी लगा, और नर्वसनेस भी थी। नर्वसनेस इस वजह से थी कि हमारे पास सामान तो था, निकाल भी दिया, एक तो चीज़ों के नाम नहीं पता। मिस्त्री को लेके गए उस पोर्शन में, बोले भाई जो जो सामान चाहिए वो बता दें। हमने कुछ जो चीज़ें थी, जैसे हमें मैन हमें पता थी, जैसे सॉकेट है, टी है, एल्बो, इस तरीके से कोई निपल वगैरह, इस बहुत सारी चीज़ें जो फिर मिस्त्री से हमने निकलवाई। और फिर उसके बाद में टेंशन कि कस्टमर को जल्दी, कस्टमर भी ये समझ लीजिए पेंट के कस्टमर अलग, टंकी फिटिंग के अलग बैठे, और चुटपुट के अपने जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कस्टमर अलग। अब भाई हर आदमी को जल्दी, फिर ऊपर से वो जो होता है क्या नाम है, रेट लिस्ट बड़ी मुश्किल से निकाली। डायरेक्ट माल हमारा गुजरात से आ रहा है, जैसे कि मैंने कल वीडियो में बताया, तो गुजरात से लेकर यहाँ तक का पहले उस माल पे 18% GST जोड़ी। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे किसी चीज़ का जो MRP दी 100 रुपये, उस पर 35% लेस, तो 35% लेस किया, फिर उसके ऊपर GST जोड़ी 18%, फिर उसके ऊपर 4-5% जो खर्चा जोड़ा, फिर उसके बाद जो हमने मिनिमम जो हमें मार्जिन लेना था फिर वो लिया। ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो आज हम बैठकर इसके टंकी फिटिंग की भी लिस्ट बनाएंगे, तो फिर उसके बाद में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखिए नया काम जब भी करा जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो तो हमें पता है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा फ़ायदा का आइटम यह है, हमने एकदम से सारे काम शुरू नहीं किए। हमने एक बार में अगर हम अटरम शटरम भर लेते, मान लीजिए टंकी फिटिंग का एक साथ, बिजली फिटिंग, पेंट का।